13.1.3 न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है, और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जांच करना भी है। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। जिले स्तर से लेकर पूरे देश के स्तर तक न्यायालय स्थापित हैं। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था का शिखर है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना जरूरी है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनैतिक दबाव से मुक्त हो। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि से संबंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। पिछले कई दशकों से यह परंपरा बनी है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय ना हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को भी प्रतिबिंबित करे। इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी नाम में से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। वर्तमान में इस व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न उनकी नियुक्ति में न ही उनके वेतन निर्धारण में विधायिका की कोई भूमिका है। इस कारण न्यायाधीश दलगत राजनीति व अन्य दबावों से मुक्त होकर अपना काम कर सकते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। आरेख 13.4 देखें। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। आरेख 13.4 भारत में न्यायालय व्यवस्था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष स्थान है। आरेख 13.4 में आप देख सकते हैं कि वह न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था होने के नाते किसी भी न्यायालय को निर्देश दे सकता है और उनके निर्णयों को पलट सकता है। उसके निर्णयों का दर्जा कानून के समकक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख काम इस प्रकार हैं। पहला, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। दूसरा, संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना। तीसरा, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। चौथा, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनकर आदेश जारी करना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने में, कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने में तथा राज्य के क्रियाकलापों को संविधान के मर्यादाओं के अंदर बनाए रखने में संपूर्ण न्यायतंत्र और विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्वाचन आयोग। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सांसदों व विधायकों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इनके निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है, जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, इसके लिए उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिका आदि की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचन करवाता है। उदाहरण के लिए पंचायती राज चुनाव।